हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन पैटर्न। केवल एक 4 रो की डिज़ाइन है फ्रेंड्स, और बहुत ही इजी है। ये 3 फंदों में बन करके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ टोटल हमने डिज़ाइन के लिए 17 फंदे लिए हुए हैं। तो चलिए डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना नहीं भूलेगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, देखिए एक और प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम लोग वीडियो लेकर आते रहते हैं। और आप जो है थोड़ा सा आप लोगों का प्यार मिलता है, लाइक कमेंट कर देते हैं, तो हम लोगों का मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप लोग अपना सपोर्ट हमें दिया करिए। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट फंदा है, फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे। कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से डिज़ाइन पैटर्न को स्टार्ट कीजिएगा। अगर फंदे वगैरह बढ़ाने हो तो आप बैक साइड से इधर से बढ़ा सकते हैं, इसके बाद राइट साइड से डिज़ाइन पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो ये रो 1 है, राइट साइड है, तो फर्स्ट रो को इस तरीके से हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें जो है 2 सलाइयाँ सीधा और उल्टा बनाना है, और 2 सलाइयों में ये डिज़ाइन पैटर्न बनेगा। तो ये हमारा डिज़ाइन पैटर्न का फर्स्ट रो है, इसको हम इस तरीके से सीधा बुनते हुए फ्रेंड्स कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकेंड रो बैक साइड यहाँ पर बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंदा स्लिप करके इसको भी हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हमने कहा है कि 2 सिलाइयाँ केवल सीधा और उल्टा बनाना है, तो हमने पहली सिलाई सीधी बुनी है और ये दूसरी सिलाई हमें इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनते हुए तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सेकेंड रो कंप्लीट हो चुका है डिज़ाइन पैटर्न का। अब हमारा ये थर्ड रो है राइट साइड। अब देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट फंदा स्लिप कर देंगे। अब ये 3 फंदों में डिज़ाइन पैटर्न बनेगा। तो पहले ये 2 फंदे हम जो हैं, देखिए ऐसे सेकेंड फंदा हम इस तरीके से नीडल्स पर लेंगे, और ये आगे वाला फंदा है ना, इसको स्लिप करके देखिए हमने लेफ्ट नीडल्स में ले लिया, और इसको भी हम इस लेफ्ट नीडल्स में डाल देंगे। तो देखिए 1 2 3, ये थर्ड फंदा जो 3 फंदा है ना, देखिए एक साथ बुनाई करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 1 3 फंदे से हमें 3 फंदा बनाना है। तो देखिए 1 धागा आगे करके फिर हम दोबारा बुनाई करेंगे, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे देखिए टोटल 3 फंदे हो गए हैं। देखिए यहाँ पर ये साइड का एड स्टिच है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए 1 2 3, अब यही 3 फंदे आपको बार बार रिपीट करने हैं। तो यहाँ देखिए सेकेंड फंदा हम ये आगे से लेंगे, और ये फर्स्ट फंदा पीछे से बैक से ले लेंगे। ट्विस्ट करने के बाद इस तरीके से हम ऐसे लेफ्ट नीडल्स में डालेंगे, और ये 3 फंदा जो है यहाँ पर देखिए 3 फंदा में हम 3 फंदा बनाएंगे। 1 देखिए धागा आगे करेंगे, ये 2 हो जाएगा, बुनाई करेंगे ये 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फंदे आपके बराबर होने चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर छोटा या बड़ा नहीं करिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब यही सेम आपको रिपीट करना है। ये सेकेंड फंदा हम ऐसे लेंगे, फर्स्ट फंदा बैक से देखिए ले लेंगे, और ट्विस्ट करने के बाद इसको भी हम देखिए इसी नीडल्स पर डालना है लेफ्ट वाले, और ये 3 फंदे है ना, देखिए इसको हम ऐसे 1 धागा आगे 2 बुनाई करेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर ये सेकेंड फंदा हम आगे से लेंगे, ये फर्स्ट फंदा पीछे से ऐसे बैक से, और इसको भी इस पर डाल देंगे, और देखिए ये 3 फंदा जो है ना, इसको हम देखिए 1
टू थ्री। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें सॉरी थोड़ा सा टाइट हो जाता है ट्विस्ट करने के बाद। देखिए वन फंदा बुन लिया, धागा आगे करेंगे टू और ये थ्री। इस तरीके से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर फिर हम ट्विस्ट करेंगे। इसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हैं फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से बुनाई करने है। देखिए ट्विस्ट कर लेंगे पहले और फिर लेफ्ट नीडल्स में डाल देंगे और ये थ्री फंदा है। तो देखिए ये थ्री फंदा में हम थ्री फंदा बनाएंगे, वन धागा आगे टू बुनाई करेंगे थ्री। देखिए यहाँ पर थ्री फंदा में थ्री फंदा हो गया और ये साइड का एड स्टिच है, इसको हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये थर्ड रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ये रो फोर है बैक साइड। तो देखिए फर्स्ट फंदा हम स्लिप करते हैं, ऑप्शनली है, आप बुन भी सकते हैं। फिर इसके बाद सभी फंदों को ऐसे आपको उल्टा बुन लेना है। देखिए इस तरीके से ये रो फोर है और बैक साइड है। देखिए आपको यहाँ केवल एक ही सिलाई में डिजाइन बनानी है, बाकी तीन सिलाइयाँ आपको ऐसे सीधा और उल्टा बुन लेना है और बहुत ही प्यारी सी डिजाइन बनकर आएगी फ्रेंड्स। बनाने में जितना आसान है, देखने में उतनी ही खूबसूरत है ये डिजाइन। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिए यहाँ पर ये डिजाइन इस तरीके से बनकर यही आया है। अब यही वन से लेके फोर रो आपको रिपीट करते जाना है। तो देखिए फर्स्ट रो रिपीट पैटर्न, इसको सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने फर्स्ट रो रिपीट कर दिया है। अब यही वन से लेके आपको जो है फोर रो रिपीट करना है, तो इसी को रिपीट करते जाएंगे। देखिए ये राइट साइड है और ये बैक साइड है। तो पूरी डिजाइन देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से बनकर आएगी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन है। अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो और मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।